हाय, यू नो आई वॉज़ रीडिंग अ लॉट ऑफ मेल्स येस्टरडे नाइट। रात को 2 बजे तक बैठ के मैं मेल्स पढ़ने की सोच कोशिश कर रही थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स आंसर कर पाऊँ, एंड ऑल्सो आई डिड फ्यू। और एक चीज़ मुझे बहुत कॉमन लगी कुछ मेल्स में कि एक मैसेज था कि हम ना बहुत अकेले हो गए हैं, या मैं बहुत अकेला फील करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त नहीं हैं, या दोस्त मुझे समझ नहीं रहे हैं, मेरी फैमिली में कोई मुझे समझ नहीं रहा है, मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। और मैं मतलब इस बात से मैं बहुत और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ पूरी फिगर आउट कर ली है, मैं तो पूरी ज्ञानी हो गई हूँ, मुझे सब कुछ पता है, सब ऑब्वियसली इट्स नॉट द केस। पर आई हैव बिन थ्रू द सेम सिचुएशन, मैं उसी से बाहर आई हूँ अभी, एंड वाई आई फील सो मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बहुत ही अलग अचीव कर लिया है लाइफ में, मतलब मुझे तो सब कुछ प्राप्ति हो गई है, ऐसा नहीं है। पर वाई आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैं जिस मेंटल स्पेस से खुद को बाहर निकाल के लाई हूँ, वो मुझे बहुत अचीवमेंट वाली बात लगती है कि वो मैंने एक अच्छा काम करा है। तो उसके बेसिस पे आई एम टेलिंग यू समथिंग कि यू नो, जब लाइफ में लगता है ना कि अकेला वाला टाइम, कि मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ अभी, मतलब एक वॉइड फील होता है अंदर, वो एक फीलिंग है जिसे मैं आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब कि एक अंदर से वॉइड लगता है, कोई हमें समझ नहीं रहा, और मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, और मैं बहुत परेशान हूँ चीज़ों को लेके। तो सबसे पहली चीज़ इसमें ये है कि यू नीड टू फाइंड योर एनर्जी शिफ्टर्स, और ख़ुद से फाइंड आउट करना है। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में कोई इंसान होगा जिसको आप सुनाओगे अपनी बातें या आपको गाइड करेगा। नॉट एवरी टाइम यू कैन हैव समवन टू टॉक, सो यू नीड टू फाइंड योर एनर्जी शिफ्टर्स कि आपकी एनर्जी कैसे ठीक होगी, या आपको अपना मूड खुद से कैसे ठीक करना है, आपको खुद को एक सही मेंटल स्टेट में कैसे लाना है, ये आपको डिसाइड करना है और आपको खुद से इसको फिगर आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, माई एनर्जी शिफ्टर्स आर लाइक कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या मुझे कुछ किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत बुरा लगता है कई बार, कुछ ऐसी कोई रैंडम आके कमेंट लिख देता है कोई, आई फील सो बैड आफ्टर दैट। मुझे मुझे बहुत लगता है कैसे यार किसी ने मुझे इतना मीन कमेंट लिख दिया, या वर्क प्लेस पर कुछ हुआ, या किसी भी आस्पेक्ट में कुछ हो जाता है, तो चलती रहती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया तो मेरी लाइफ में तो बहुत सॉर्टेड चल रहा है, कुछ कभी गड़बड़ नहीं होता, हो जाता है, हम दुखी भी होते हैं उससे, बहुत बुरा लगता है। बट नाउ आई नो, जो मैंने अपने साथ वो अकेला वाला टाइम बहुत सारा बिताया है, तो उससे मुझे पता है कि मुझे अपनी एनर्जी शिफ्ट कैसे करनी है। मुझे बुरा लग रहा है तो लग तो रहा है बुरा, तो मैं कभी खुद पर पॉजिटिविटी थोपती नहीं हूँ कि कोई बात नहीं, नेहा कोई बात नहीं, मैं खुद ज़बरदस्ती पॉजिटिविटी करूँगी, मुझे मतलब रोना आ रहा है, मैं इतनी अपसेट हूँ चीज़ों को लेकर, पर मैं पॉजिटिव रहूँगी। नहीं, पहली चीज़ मैं अलाउ करती हूँ कि अगर मैं किसी दिन नेगेटिव फील कर रही हूँ तो कर रही हूँ ना, मतलब रोने का मन कर रहा है तो रो लो ना, रो लो, उस पर पूरा रोना निकाल दो अपने अंदर, वो जो इतना भरा हुआ है कि पता नहीं मैं मतलब बहुत अपसेट हूँ किसी चीज़ को लेके, सो क्राई योर हार्ट आउट, वेंट आउट कर दो अपने सिस्टम से, उस चीज़ को बाहर निकाल दो, फिर देखेंगे उसके बाद क्या करना है उसके लिए। तो पहली चीज़ तो कर लो, वेंट आउट करना है तो अपने ऊपर पॉजिटिविटी थोपो मत कि मुझे पॉजिटिव रहना है, कैसे मैंने कुछ नेगेटिव सोच लिया, कैसे ऐसा हो गया, इट्स ओके, सबके साथ हो जाता है, किसी ने इतना फिगर आउट नहीं कर लिया चीज़ें कि सब उनके लाइफ में सॉर्टेड है। तो पहली चीज़ वेंट आउट कर लो, कोई बात नहीं, अलाउ योर सेल्फ टू फील दैट इमोशन। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि मेरे अब ना मैंने एनर्जी शिफ्टर्स ढूंढ लिए हैं अपने, जैसे टॉकिंग टू माय मॉम इज़ अ थेरेपी, वो मेरे लिए एक थेरेपी से कम नहीं है। तो मैं किसी भी चीज़ को लेके जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ तो आई टॉक टू माय मॉम, पर कभी हो सकता है कि शी इज़ नॉट अवेलेबल एट दैट मोमेंट, या वो कहीं बिजी है किसी काम में, तो अब मैं बुरा ही थोड़ी फील करती रहूँगी, तो ये फिर वही डिपेंडेंट होने वाली बात हो गई कि मैं किसी और पर डिपेंडेंट हूँ, कोई भी हो जाए। तो पहली चीज़ तो आई कंसिडर, ऑब्वियसली कंसिडर माई मॉम। फिर उसके बाद अब मैं और क्या कर सकती हूँ, तो मैंने फिगर आउट करी चीज़ें जैसे कि आई कैन सिट इन अ रूम फॉर लाइक 30 मिनट्स और 1 आवर। मैं स्ट्रेच में अपने रूम में बैठ जाती हूँ अकेली, मैं किसी से बात नहीं करूँगी उस टाइम, लाइट मैं थोड़ा डिम करके बैठ जाऊँगी, मैं खुद को वो मोमेंट को अलाउ, मतलब वो जो इमोशन है उस मोमेंट को, उसे खुद को अलाउ करती हूँ खुद को कि मैं उसको मोमेंट को फील कर लूँ। उसके बाद मैं ये सोचूँ कि अब जो हो गया है वो तो हो गया है, मैं अब क्या कर सकती हूँ। मुझे मैक्सिमम आइडियाज़ जो आए हैं कि मैं अगला एक्शन स्टेप क्या ले सकती हूँ, वो उसी टाइम आए हैं जब मैंने शांत बैठ के खुद को वो इमोशन अलाउ करा कि मैं इमोशन को फील करूँ, उसके बाद मैं अगला स्टेप क्या ले सकती हूँ। आई जेन्युइनली आस्क दिस माई सेल्फ कि अब जो हो गया, अब किसी ने मुझे कुछ कहना था उसने कह दिया, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ उस पर, तो मैं वो सोचती हूँ, तो मैं शांति से रूम में बैठ जाती हूँ। तो ये मेरा सेकेंड वो है, मेरा एनर्जी शिफ्टर है। तीसरा क्या हो सकता है कि मैं मेडिटेट कर लेती हूँ। चौथा क्या होता है कि मैं टेरेस पे आके खुद को एक पेप टॉक देती हूँ, एक बढ़िया सेल्फ पेप टॉक देती हूँ, सारा मैं पूरा अपने खुद को एक पूरी प्रॉब्लम समझाती हूँ, फिर मैं खुद को एक पूरा सॉल्यूशन देती हूँ उस चीज़ का, मैं लॉजिकली खुद से बात करती हूँ, एंड मन मन में नहीं, लिटरली बोल के बात करती हूँ। तो ऑब्वियसली आप ऐसे टाइम पर टेरेस पे हैं जब थोड़ा अंधेरा हो गया हो कि लोग आपको आसपास अकेले बोलता बना देखें, या अगर आप फ़र्क नहीं पड़ता तो कंटिन्यू विद दैट, तो मैं आके टेरेस पे आके खुद को एक पेप टॉक दे देती हूँ,
या फिर मैं एक बढ़िया सा पंजाबी म्यूज़िक सुनती हूँ, आई फील ग्रेट आफ्टर दैट। तो ये कुछ मेरे एनर्जी शिफ्टर्स हैं जिससे मैं क्विकली मैं थोड़ा बेटर फील करने लग जाती हूँ कि जो भी सिचुएशन है उससे बाहर आने का। फिर मैं सोचती हूँ कि क्या करना है। किसी किसी के एनर्जी शिफ्टर्स क्या हो सकते हैं, किसी को बाहर ऐसे गेड़ी मार के वॉक करके आके अच्छा लगता है तो आप वो कर सकते हैं। किसी को अपने दोस्त, किसी पर्टिकुलर दोस्त से बात करके अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। किसी को खाना बनाना बना के अच्छा लगता है, किसी को बाहर जाके खाना खा के अच्छा लगता है। तो आपके कुछ भी एनर्जी शिफ्टर्स हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि ये मेरा एनर्जी शिफ्टर है, ये एक पर्टिकुलर काम मैं करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। आप उसको इमोशन को सप्रेस नहीं करें कि मैं अभी वरिड हूँ तो मैं काम तो करने का मेरा मन नहीं है तो फ़ोन स्क्रॉल कर लेती हूँ, थोड़ी देर बाद वीडियो स्क्रॉल कर लूँगी, दो चार यूट्यूब की, थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूँगी तो बेटर फील करूँगी। वो आप सप्रेस कर रहे हो उसको, भाग रहे हो उस इमोशन से। खुद को अलाउ करो इमोशन फील करने के लिए कि जैसे अगर मैं फेल हो गई तो मैंने कहा हो गई तो हो गई फेल, अब क्या कर सकते हैं, आगे सोचते हैं ना क्या कर सकते हैं। या कभी किसी ने कुछ मीन कमेंट लिख दिया, आई एम फीलिंग हॉरिबल आफ्टर दैट, तो पहले मैं ट्राई करती हूँ खुद से ही अपने सारे शिफ्टर्स यूज़ करके। जब कुछ वर्क नहीं करता सो आई गो टू माई मॉम कि बस अब नहीं हो रहा मुझसे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, दो दिन से मैं परेशान हूँ उस चीज़ को लेकर, अब क्या कर सकते हैं। सो शी गिव मी अ गुड सोल्यूशन फॉर दैट, तो वो वर्क कर जाता है। तो प्लीज़ स्टार्ट फाइंडिंग योर सीक्रेट शिफ्टर्स कि ये मेरा एनर्जी शिफ्टर है, ये मेरा सीक्रेट एनर्जी शिफ्टर है, मैं ये करूँगी तो मुझे बेटर फील होगा। उसके लिए आपको होना पड़ेगा सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर होने के लिए टाइम बिताना होता है अकेले। तो जो भी आपको लग रहा है ना कि मैं अकेली हो गई हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा मतलब मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ ये चीज़ कि मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, ये अकेला वाला टाइम ना हमें लाइफ में जब आता है हमारी, वो एक लेसन है, लाइक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। वो कुछ लेसन देने के लिए आया है हमें, वो इसलिए आया है कि हम थोड़ा सेल्फ अवेयर हो जाएं, खुद को थोड़ा बेहतर जान लें, अपने बारे में जान लें कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरे वीक एरियाज़ हैं, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ मुझे भी काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आया है वो टाइम आपकी लाइफ में। तो उससे भागने की जगह उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। अगर आप किसी भी वजह से भी फील करो कि मैं अकेला हूँ, या हो सकता है मैं किसी भी एग्ज़ाम में फंसी हुई हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा अकेला वाला टाइम है, मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं है, तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करो और ख़ुद को एक बहुत बेहतर इंसान बनाओ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई डिग्री आ जाएगी या कोई जॉब आ जाएगी आपके पास तो आप बहुत सुखी हो जाओगे, फिर आप किसी और सिरदर्दी में लग जाओगे। तो इसलिए अगर आप बेहतर इंसान बना लेते हो खुद को, तो फिर कोई भी लाइफ की सिचुएशन आए तो यू विल बी लाइक कि चलो हैंडल कर लेते हैं इसको, भी हो जाएगी ये भी हैंडल। तो आपको उस वाले माइंडसेट पे काम करना है कि आप लाइफ के किसी भी सिचुएशन में हो तो आपका माइंडसेट सही हो। सिर्फ एग्ज़ाम, मैं सिर्फ आपको बता दूँ ऐसे ऐसे एग्ज़ाम करना है, या आपने बस जैसे जैसे करके एग्ज़ाम कर लिया और आप दिमाग से अभी भी वैसे ही होते हो, मतलब हर बात पे एंशियस हो जाते हो, हर बात पे पैनिक करते हो, डिग्री मिल गई तो जॉब के लिए एंशियस हो रहे हो, या जॉब हो गई तो आगे पैकेज प्रमोशन के लिए एंशियस हो रहे हो, तो फिर उसका पॉइंट नहीं है ना उसका। तो अभी जो आपको अकेला वाला टाइम अगर लाइफ में मिला है, यूटिलाइज दैट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। अच्छा कॉन्टेंट कंज्यूम करो कि आपको दिमाग आपका एकदम सॉर्टेड रहे फिर उसके बाद, कि जब अगर लाइफ में आपको देर से भी सक्सेस मिले तो जब मिले ना तो आप बहुत अच्छा करो फिर उस टाइम लाइफ में। तो एक बेहतर इंसान बनाओ खुद को, अपने सीक्रेट एनर्जी शिफ्टर्स ढूंढो और अच्छा टाइम स्पेंड करो अपने साथ। यू आर वर्थ स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ, राइट? सो मेक इट काउंट। ओके, बाय बाय।